हर एक वो जानकारी जो आपके लिए, आपके काम के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और खास करके वो लोग जो शेयर मार्केट में जुड़े हैं और वहां पे इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, उन लोगों को तो कॉर्पोरेट में होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में आपको इस वीक में हुए सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं और किसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा कि मैं अपने चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा कम समय में अच्छा मुनाफा कमा के देती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एचएमए ट्रेडिंग की टीम पिछले 12 सालों से इंडस्ट्री में फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रही है और लगातार उनके वेल्थ क्रिएशन में उनकी मदद भी करती आ रही है। अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके अंदर आप कंफ्यूज हैं, या आप इन्वेस्ट करके आप उतना नहीं कमा रहे जितना आपने एक्सपेक्ट किया, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीक सबसे पहले एक शेयर स्प्लिट हुआ था। रजनीश वेलनेस लिमिटेड ने 2 रुपए का स्टॉक उन्होंने 1 रुपए का किया था, जिसके लिए एक्स और रिकॉर्ड डेट 10 जनवरी थी। इसके बाद दोस्तों जेट फ्रेट लॉजिस्टिक ने 11 रुपए 25 पैसे से राइट इशू किए, जिसके लिए रेशियो 1:1 था। दैट मीन्स हर एक शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर था वो एक राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकता था, जिसके लिए एक्स और रिकॉर्ड डेट 11 जनवरी थी। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 19 रुपए 30 पैसा है। यह काफी अच्छा डील साबित हुआ था इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद दोस्तों पैसिफिक इंडस्ट्री ने भी राइट इशू किया 139 रुपीज में, जिसके लिए अनुपात 1:1 था, और इस राइट इशू के लिए भी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट 11 जनवरी ही था। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस आज 247 रुपए करीब है। इस कंपनी की शेयर का 52 वीक हाई 391 रुपीज था अराउंड, और लो 202 रुपीज अराउंड रहा है। जिस भी इन्वेस्टर ने इसके राइट इश्यू में इन्वेस्ट किए उनका डिसीजन काफी अच्छा है, काफी प्रॉफिटेबल डिसीजन है। उसके बाद दोस्तों वेल्सफॉर्म एंटरप्राइजेज ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया, जिसके लिए एक्स और रिकॉर्ड डेट 11 जनवरी था। उसके बाद दोस्तों फ्राइडे मतलब 13 जनवरी को इंडोविन एनर्जी ने 2:5 के रेशियो में राइट इशू किए, और जिसके लिए प्राइस इन्होंने 12 रुपए निर्धारित किया था, एक्स और रिकॉर्ड डेट जिसकी 13 तारीख ही थी। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस आज 15 रुपए 25 पैसे है। 52 वीक हाई 34 रुपए गया है करीब, और 52 वीक लो 11 रुपए 75 पैसे। अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स के लिए इतना अच्छा सौदा ये साबित नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर इंडिया ने शेयर बायबैक किए 170 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जिसके लिए एक्स और रिकॉर्ड डेट भी 13 जनवरी थी। इस वीक का लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन विष्णु केमिकल ने लिया, जिसने अपने शेयर को स्प्लिट किया, 10 रुपए के शेयर को उन्होंने 2 रुपए का बनाया, जिसके लिए एक्स और रिकॉर्ड डेट 13 जनवरी थी। दोस्तों इस सारे कॉर्पोरेट एक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत से लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अच्छा मुनाफा भी कमाया है। ऐसे ही कॉर्पोरेट एक्शन को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और फॉलो कीजिए हमें फाइनेंशियल मार्केट के सभी जरूरी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए।